तो प्रखर, जो क्वेश्चंस तुमने भेजे हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसका। तो क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक लिक्विड है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये है लिक्विड का फ्री सरफेस, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो, और इस लिक्विड में एक रॉड है। इस लिक्विड में एक रॉड है, रॉड की लेंथ है L, रॉड की खुद की डेंसिटी है रो। तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए रॉड फ्लोट करेगी, कुछ पार्ट इसका लिक्विड के बाहर भी होगा, बट ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द अपर एंड ऑफ द रॉड सो दैट रॉड रिमेन्स कम्प्लीटली सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड। ये सिचुएशन है। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि डेंसिटी ऑफ रॉड इज रो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द लिक्विड इज 2 रो, लेंथ ऑफ रॉड इज L, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इक्वल्स टू गामा। हमको बताना है व्हाट इज दी क्वेश्चन, ये व्हाट इज दी चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। तो इस सिचुएशन में रॉड की जो नेचुरल लेंथ है L, उसमें कितना चेंज होगा, रॉड की नेचुरल लेंथ L थी उसमें चेंज कितना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जरा हम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज होंगे, तो क्वेश्चन में तो रॉड थिन दी हुई है लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, थिकनेस ज़्यादा है। सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज A, लेंथ इज L, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रॉड इज AL। इस पर जो फोर्सेज लगे हुए हैं उसमें एक फोर्स तो ऊपर से लगा हुआ है F, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, और एक फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ से लगा हुआ है जिसको आप थ्रस्ट भी कह सकते हो या अपथ्रस्ट फोर्स है। mg की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ द रॉड हो जाएगा A इंटू L इंटू डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू g, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉड। थ्रस्ट होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द रॉड, तो रॉड ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वॉल्यूम है AL। मास कितना हो जाएगा, मास होगा AL इंटू 2 रो, और उसका वेट कितना हो जाएगा AL 2 रो इंटू जी। सो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है 2AL रो इंटू जी, ये थ्रस्ट फोर्स लगा हुआ है। नाउ सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन इसलिए हम लिख सकते हैं इसको F प्लस mg इक्वल टू थ्रस्ट। F प्लस mg की वैल्यू हमने निकाली है AL रो g इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है 2AL रो जी। तो सो सिंप्लीफाई करने पर फोर्स F की वैल्यू आती है AL रो जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू ऑफ फोर्स, द फोर्स बाय विच वी आर पुशिंग द रॉड टू कीप इट सबमर्ज कंप्लीटली इज F। अब रॉड के अलग अलग पोर्शन में लेंथ में चेंज अलग अलग होगा, इसलिए हम क्या करते हैं रॉड के अपर एंड से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ये एलिमेंट है डी एक्स। अब ये जो अपर एंड है जिसकी लेंथ हमने एक्स ली हुई है, अपर पोर्शन एक्स, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा एफ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इस पर, ये लेंथ है एक्स, तो इसका वॉल्यूम हुआ ए इंटू एक्स, डेंसिटी इसकी रो है, मास हुआ ए एक्स इंटू जी, ए एक्स रो इंटू जी, ये एम जी आ गया। और एक फोर्स नीचे से लगा हुआ है जिसको कि हमने नाम दिया टेंशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ से क्या सिचुएशन बनेगी, एफ प्लस ए
x rho g equal to tension t. सो टेंशन टी इक्वल टू एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम यहाँ पर ए एल रो जी प्लस ए रो जी एक्स. सो व्हाट वी गेट, टेंशन इक्वल टू ए कॉमन है, रो कॉमन है, जी कॉमन है, एल प्लस एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ कंसीडर दिस एलिमेंट. एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एक्स के बराबर है. कंसीडर दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट पर एक टेंशन है टी और एक टेंशन है नीचे टी प्लस डी टी. यहाँ पर टेंशन टी ऊपर था तो इसकी वजह से एलिमेंट के अपर पोर्शन पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ. ठीक है, तो टी प्लस डी टी. स्ट्रेस कितना होगा इस एलिमेंट पर, स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट इक्वल टू टी बाई ए. ये स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस की वैल्यू है स्ट्रेस इक्वल टू रो जी एल प्लस एक्स के बराबर. ये स्ट्रेस आया. और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ किसके ले रहे हैं हम, एलिमेंट की. एलिमेंट की लेंथ में चेंज है डी जेड और इसकी ओरिजिनल लेंथ है डी एक्स. अब हम यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला लगाते हैं, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो वाई इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस कितना है रो जी एल प्लस एक्स, ये स्ट्रेस की वैल्यू है एंड स्ट्रेन इज डी जेड बाई डी एक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एंड डी जेड इक्वल टू रो जी अपॉन वाई एल प्लस एक्स इंटू डी एक्स. राइट, इसको इंटीग्रेट कर दो. इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की वैल्यू है जीरो से एल तक और चेंज इन लेंथ है जीरो से डेल्टा एल तक. आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट वी गेट डेल्टा एल इक्वल टू रो जी अपॉन वाई इंटू एल स्क्वायर प्लस, लिमिट भी रख देते हैं तो ये आएगा एल स्क्वायर बाई टू. एंड फाइनली वॉट वी गेट, डेल्टा एल इक्वल्स टू 3 बाई टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन वाई. सो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं. दिस इज़ मोर देन सफिशियंट टू अंडरस्टैंड. सो आंसर जो क्वेश्चन भेजा था उसमें जो ऑप्शन थे, उन ऑप्शन में आंसर कौन सा हुआ, आंसर है सेकेंड 3 रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2 वाई. सो दिस इज़ द आंसर.